सो हे गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आपका हेल्पिंदी में और मेरा नाम मनीष। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि WhatsApp ने अपना व्यू वंस जो फीचर है उसको लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस फीचर को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले हैं, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधी बात नो बकवास। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना WhatsApp अपडेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक और फ़ोन है, मैं उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों फ़ोन रख लिए हैं। अब ये जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि होता कैसे है। तो यहाँ पर मैं इमेज पर जाता हूँ, आप वीडियो भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेज चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वन लिखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पर इनेबल हो गया। अब मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो सेंड हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो सेंड हो चुकी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये फोटो। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये WhatsApp का व्यू वंस फीचर जो है ये काम करता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर ये सेंड किया, तो यहाँ पर जो है ये नॉर्मल फोटो की तरह ना जाएगी। नॉर्मल फोटो आपका जो होता है वो इस तरीके से जाता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फोटो की तरह नहीं गया है। ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये व्यू वंस है, मतलब आप इसको जो है बस एक बार देख सकते हैं, उसके बाद इसको नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर इंडिकेट कर देता है कि हाँ भाई, ये जो भी फोटो या वीडियो आई है ये व्यू वंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फोटो है, मैं यहाँ पर इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये है कि ये जो फोटो है ये बहुत देर तक ओपन रहती है, तो यहाँ पर मैं आराम से जूम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसको। बस इसको बंद नहीं करना है, जब तक ये ओपन रहेगा तब तक आप यहाँ पर इसको ओपन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो WhatsApp ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नोट में कि यहाँ पर जो है टेक अ स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ द मीडिया बिफोर डिसअपीयर। मतलब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि कोई भी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस फोटो को कोई शेयर नहीं कर सकता, ना ही इस फोटो को कोई सेव कर सकता है। तो ये चीज़ें इसमें आपको मिलती है। अब दोस्तों, मेरा मानना यह है कि WhatsApp इन चीज़ों को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकता था। तो सबसे पहले चीज़ ये कि यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोटो या वीडियो ये व्यू वंस है, वो यहाँ पर ना करके ये एक नॉर्मल फोटो या वीडियो की तरह यहाँ पर जो शो करे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो है फोटो बहुत देर तक रहती है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। आप जब तक उसको ओपन करके रखते हैं तब तक वो रहने वाली है वहाँ पर। मतलब अगर WhatsApp यहाँ पर लिमिट लगा सकती थी कि यहाँ पर 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड के बाद वो फोटो जो है अपने आप बंद हो जाएगी, तो ये भी बड़ा अच्छा रहने वाला था। और एक और चीज़ ये कर सकते थे कि जैसे Facebook में होता है कि वहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते थे, तो उसी टेक्नोलॉजी को वो यहाँ भी यूज़ कर सकते थे ताकि इस फोटो या वीडियो का कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले सके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना कर सके। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि WhatsApp का ये जो नया फीचर है ये कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, मतलब आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल पहली बार आए हो और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।